हूं मेरी अगली अग केबल आलिया पर है। ये बड़ा लुट रहे है। मैं हमने पता कर आशू जी से कई भरावान से पूछे, मैं क्या यार रेट कितना केबल का? 400 तो लेके 1000 रुपये तक है। ये थोड़े जे दो चार चैनल चलाने 400 रुपया। वो मैं क्या यार मैं तो उन बिजली माफ करता फिरी जाना, पानी माफ करता फिरी जाना, असली लुटता केबल आलिया ने पाई दी है। इन्हां नूं सिद्धे करना है, इन्हां नूं सिद्धे करना है। आ हुण इन्हां दी केबल बढ़नी है, मैं या तो सिद्धे हो जाएंगे या केबल बढ़ी जाएगी। 100 रुपये से ज्यादा इन्हों का मतलब नहीं है कोई बनता लेन का। लुधियाने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर ऐलान कर रहे हैं 100 रुपये तो ज्यादा किसी ने नहीं देना। घर आए नूं वापस मोड़ दियो, मैं जिम्मेवार है। असल दे विच मैं इन्हां दा कोड बढ़ना है। ये जेड़े काम केबल नेटवर्क दे है पंजाब के नौजवानों नूं देने है, आम घरां नूं देने है। इको परिवार सारे पंजाब नूं सांभी बैठा है। बादलों का ही सब कुछ चल रहा है। बड़िया बड़िया बसा शीशे वालिया एसी बसा देखिया फिर थाने विच खड़िया, और राजा बड़े नाल खड़ा देखिया देखिया सारे नूं। जद मैं ओपोजिशन लीडर था जद ऐलान करिया सी कि आ बादलों दीआं बसा थाने विच खड़िया दिखाणियां है, दिख गया ठीक है। साढ़े चार साल नहीं दिखा सकिया, कैप्टन का राज सी वो भी मिले हुए सी। सारे इको थाली दे चट्टे बट्टे कट्ठे होके लुट रहे सी। उत्तर काटो मेरी बारी, हुण बादल चढ़ गए अगली बारी सुखबीर चढ़ जूगा, फिर बादल चढ़ गए अगली बार। एक काम खत्म करता राहुल गांधी ने, आम लोगों का राज आ गया पंजाब। केबल नेटवर्क 100 रुपए के बाद कोई ना दियो लुधियाने वालियो, मैं अज दस के जा रहा। जेड़ा 100 रुपए से ज्यादा दे रहा वो मुजरम है, तेरे बादल मुजरम नहीं होंगे। लेकिन एक तो दस दिना इन्हों की मैं रस्सी बढ़ने की तैयारी लगे हुए हैं, ये रस्सी बढ़नी है। सारे परमिट इन्होंने कैंसल कर रहे हैं, अपने नौजवान वर्करा देवे जेड़े लोग जिन्होंने कोई सिफारिश नहीं है, जिन्हों को रिश्वत देने पैसा नहीं है, उन्होंने सिफारिश रणजीत चल रही है। जेड़िया नौकरी मैरिट से नहीं मिलती उन्होंने सिफारिश पंजाब सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन एक भी जो नौकरी देनी है मैरिट से देनी, पैसे और सिफारिश के नाल नहीं देनी। 1 लाख नौकरियां नवीं कट रहे सत्कारयोग वीरो, गल्लां थोड़े नाल करन नूं बहुत है। मैं थोड़े पास आने तो पहला रास्ते में आ रहा ऑटो रिक्शा वाले पर रुक गया, रेहड़िया वाले को रुक गया। लुधियाने 30,000 ऑटो रिक्शा है, 50,000 रेहड़ी है, पता कितनी लुटूंदी है उन्हां दी। हरेक रोड रोक के चल चलान, कईयां दा 50,000 खड़ा है, कईयां दा 10,000 खड़ा है। अज सारे पर लीक मार रहे हैं, किसे टेंपू वाले दा ऑटो रिक्शा वाले दा जिन्ना बकाया थोड़े चाहे वो नहीं बैठे। लेकिन गरीब परिवार है, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने सुनवाई पंजाब सरकार करेगी। जिन्हें ऑटो रिक्शा वाले जिन्निया रेहड़िया वाले बाजार के घूमते हैं, कोई ना कोई उन्होंने 2500 रुपया ले रहा महीने का, 3500 रुपये ले रहे, सरकार के खजाने च नहीं जा रहे। फिर असं लीए कद ज सरकार के खजाने च नहीं आते, और लेट भी क्यों दईए? गधियां खेत क्यों लटाइए? ऐसे माफिया रथ पाने जरूरी है। एक सर्टिफिकेट जारी करागा सरकार वालों, हरेक रेहड़ी हरेक टेंपू पर लगे होगा 3 व्हीलर पर, कोई पुलिस वाला उन्होंने रोकेगा नहीं, कोई पुलिस वाला उन्होंने रोकेगा नहीं, ना ही रोकण देवगा। साफ सुथरा प्रशासन देना पंजाब दे विच, एक चंगी सोच देनी है, एक चंगी सरकार नूं अगे वधाउणा है। सो सत्कारयोग वीरो,
ऐसी लुधियाने दे विच छोटिया फैक्ट्रियां बहुत है लेकिन बिजली दे बिल बहुत ज्यादा आंदे इन्हां दे ऐसी फिक्स चार्जर है जे चार्ज है जेड़े जेड़ा पक्के तौर ते आउणा ही आउणा बिल दे विच उन्हां दे चार्ज नूं अद्धा करदा है। इस दे नाल ही इंस्टीट्यूशनल टैक्स जेड़ा पंजाब दे विच लग्गिया होया सी 12 तों ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 48,000 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈਨ ਮਾਰਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਪਟਾਕੇ ਸਹੀ ਮਿਲੇ ਐਤਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, मेरे बापू की दुकान थी बाहर मंजा ला के मैं पटाके बेचने ते मेरा साल का खर्चा निकल जाता सी। ऐतकी जब दिवाली आई मैं सोचा मुख्यमंत्री तू है तो जेड़े पुलिस वाले आके सवेरे डंडे मारदे पटाके वाले नूं उठ जो शाम नूं बिठा देते पैसे लेके ये गल फिर खत्म कर दे। एक कॉल दिती है पंजाब दे विच किसी भी दुकानदार नूं ऐतकी दिवाली ते तंग नहीं किया गया। सब तो वधिया दिवाली जे पंजाब विच होई है तां ऐतकी होई है। सब तो वधिया किसानी दी प्रक्योरमेंट फसल चक्की गई है तां मैं शाबाश दिंदा अपने होनहार वीर भारत भूषण आसू जेड़ा फूड सप्लाई मंत्री है। एक दाणा दाणा चक्किया ते किसे नूं हरासमेंट नहीं होई। ऐतकी पहली बार ना मारदाना मुकिया, ना कोई हड़ताल हुई, ना कोई धरना लग्या। इस तरह कणक झोना चकोगे जिस तरह पता ही नहीं होंगे भी कुछ होया। ये होंगी है चंगा प्रशासन। ऐतकी सफाई सेवका की गल करनी है मैं, मेरे भरावो सफाई सेवको, मेरे भरावो जेड़े दर्जा चार दे मुलाजमो, मैं लुधियाने की कल्ले की गल नहीं करता, पंजाब की गल करता। 10 दिन के विच तुहानू पक्के करके सर्टिफिकेट हाथ च फड़ा देने। जिन्हें सफाई सेवक है मैंने उन्होंने यूनियना भी मिली, जिन्हें दर्जा चर कर्मचारी है जेडे कारपोरेशन म्यूनसिपल कमेटी काम करते ठेके से है उन्हों सारे कोई 10 साल की शर्त नहीं। म्यूनसिपल कमेटियां कारपोरेशन से ऐसी पुआले रेजुलेशन ये थानू पक्का करके करनू पक्के तौर पर करके भेजांगे ते थोड़ी भी अज ते दिवाली बन जाएगी। मैं थानू इस गल की गारंटी देके जा रहा सो मैं ज्यादा गल्लां नहीं करनियां। थोड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहुंदा खास तौर पर करवल साहब का, साडे एमएलए साहबान ते होर सारे लीडर साहबान। मैनू तां इह पता लग्गिया सी कि अज वर्कर मीटिंग होनी है, 500-700 वर्कर होएगा। मैनू क्या पता भी इत्थे साडा इन्ना वर्कर टाइम हो गया कि सारे पासे शैबरा लगिया होया। जिन्ने तुसी अंदर है इहदे नालों 4 गुणा दा मैं बाहर देख के आया। ये परमात्मा की कृपा है कि आम लोगों का राज पंजाब दे विच स्थापित हो रहा है ते स्थापित होया है। आने वाले समय दे विच तुसी देखोगे पारदर्शी सरकार होएगी। ते मैं थोनू एक गल दसना चाहता है कि मैं सुखबीर बादल वांगू तां नहीं कहता कि जी असीं सिंगापुर बना देना, असीं फलाना बना देना, असीं फलाना बना देना, लेकिन पंजाब दे विच आम लोगों का राज होएगा ते सुनहरी राज होएगा, एक सुनहरा पंजाब बना के थानू दवांगे। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतह। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी। मैं दोनों जिला प्रधानों को गुजारिश करांगा